हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मक्खनी सोया चाप की रेसिपी, जिसको कि आप लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं, या आपके यहाँ कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, उसमें बनाकर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। इसे देखकर या खाकर कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि ये आपने घर पर बनाया है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। जी, मैंने आधा किलो सोया चाप ली है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। ये देखिए, चाप के अंदर ये एक स्टिक होती है, इसे हम निकाल लेंगे और चाप को 3 या 4 पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप थोड़े छोटे पीसेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे चाप की स्टिक्स निकाल कर कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम चाप को मैरिनेट करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आए। तो इसके लिए एक बड़े बोल में आधा कप दही लेंगे, फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, डेढ़ टेबलस्पून ऑयल, अब डालेंगे आधे नींबू का रस, और फिर इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई चाप और इस मिक्सचर को चाप के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर आप चाप के ऊपर ऐसे ही हल्का सा कलर चाहते हैं तो इसे ऐसे ही रहने दें, लेकिन अगर आप मार्केट जैसा कलर चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। ये देखिए, हमने कलर को भी मैरिनेशन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। चलिए, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे, इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, 3 इलायची, 4 लौंग डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। फिर डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और फिर थोड़ा सा चला लेंगे। अब ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली कट कर लिया है, हम इनको भी डाल देंगे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। जब इसका कच्चापन चला जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए,
प्याज का कलर अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप काजू। ये मैंने काजू टुकड़ा लिया है। अगर आप साबुत काजू डाल रहे हैं तो 20 से 25 काजू डाल दें और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी में रिचनेस आएगी और ग्रेवी थिक बनेगी। और अब हम डालेंगे रफली चॉप टमाटर। ये मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर को कट कर लिया था। इनको भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस पे हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाए। ये देखिए हमारे टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। स्पैचुला से दबाने पर ये इजीली मैश हो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और 1/3 कप पानी। फिर सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको एक ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारे टमाटर अब अच्छे से गल गए हैं। चलिए अब गैस बंद कर देते हैं और इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके ठंडा कर लेंगे। अब हम चाप को शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें चाप के मैरिनेटेड पीसेस डाल देंगे। जब ये एक तरफ से थोड़े से सिक जाएं तब इनको पलटकर दूसरी साइड भी सेक लेंगे। ये देखिए हमारी चाप के ऊपर कितनी अच्छी सी ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। तो अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और ये मैंने जार में वही टमाटर प्याज वाला मसाला डाला है जो कि हमने थोड़ी देर पहले भूना था। अब ये ठंडा हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम एक बड़े बोल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और इस पेस्ट को छान लेंगे जिससे कि इसमें जो रेशे हैं प्याज के, टमाटर के या जो हमने साबुत मसाले डाले थे वो सब इसमें ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे रह जाएगी सिल्की स्मूथ ग्रेवी। क्योंकि हम मक्खनी चाप बना रहे हैं जिसका मतलब ही होता है मक्खन की तरह सॉफ्ट स्मूथ। और छलनी में जो रेशे हैं हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए हमारी सिल्की स्मूथ ग्रेवी। अब हम फिर से एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर। जब ये गर्म हो जाए तब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और फिर उसे मिक्स कर लेंगे। फिर धीमी आंच पर ही जो ग्रेवी हमने रेडी की थी उसे डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बोल में जो ग्रेवी लगी थी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी इसी में डाल दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें चाप के पीसेस डाल देंगे। और ग्रेवी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर से इसे कवर करके धीमी आंच पर 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। 6 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें 2-3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। मार्केट में ये बहुत ही इजीली मिल जाती है, या तो फिर आप थोड़ी सी दूध की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। अब हम इसको भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ और ये है 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। इन सबको ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब फिर से इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें गरम मसाला डाल लेते हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। देखिए हमारी मखनी चाप बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ और शाइनी लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए इसको अब सर्व कर लेते हैं और रेस्टोरेंट वाले लुक के लिए इसको थोड़ा सा फ्रेश क्रीम से गार्निश भी कर लेंगे। तो आप भी मखनी चाप घर पर बनाइए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इम्प्रेस कीजिए। इसको आप नान, पराठा या रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।